बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना प्रीत विहार इलाके की बताई जा रही है, जहां जिम मालिक की ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तीन बाइक सवार मौके पर पहुंचे थे और इस वारदात को अंजाम दिया। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, ज्यादा जानकारी पुलिस क्या दे पा रही है इस घटना को लेकर? जी, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जो तमाम आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी मौजूद हैं जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। ये वही प्रीत विहार इलाके में स्थित एनर्जी जिम है, जहां पर कल महेंद्र अग्रवाल को 7:30 बजे के करीब में तीन बाइक सवार लोग आते हैं, जिसमें से दो नकाबपोश अंदर की तरफ घुसते हैं। यह उनका ऑफिस है, एनर्जी जिम एंड स्पा। यहाँ पर आपको बता दें कि महेंद्र अग्रवाल जिम की जो मशीनें होती थी उसका भी काम करते थे, मशीनें बनती थी यहाँ पर। और 7:30 बजे के करीब में तीन आरोपियों में से दो आरोपी नकाबपोश अंदर घुसते हैं। जो News24 के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक फायरिंग की जाती है और उसके बाद आरोपी यहाँ से गोली मारने के बाद फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस को इस बाबत सूचना दी जाती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। आपको बता दें, महेंद्र अग्रवाल के दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, परपटगंज में वो रहते थे। आखिर पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई है। यही वजह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं। जिस तरह से कल शाम को 7:30 बजे जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये पूरा जो इलाका है विकास मार्ग का प्रीत विहार इलाके में, ये आपको बता दें कि काफी भीड़ भाड़ वाला व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या, हालांकि सुबह का वक्त है इसलिए अभी ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन उस समय ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है। और ऐसे में आरोपियों की ये सारी चीजें पता थी कि पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ से गोली मारने के बाद यहाँ से निकलना उनके लिए आसानी होगी। यही वजह है कि उन्होंने आरोपी जो थे वो 7:30 बजे का वक्त चुनते हैं और गोली मारने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस आसपास के तमाम इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, इसके साथ साथ उनके परिवार का भी बयान दर्ज किया जाएगा, जिससे कि पुलिस ये जान सके कि क्या कोई पैसे का लेन देन था क्योंकि ये व्यापारी थे और या फिर कोई आपसी रंजिश थी। हालांकि पुलिस जो सूत्र बता रहे हैं कि आपसी रंजिश की वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन परिवार का बयान इस पूरे हत्याकांड मामले में बहुत ही अहम हो जाता है कि महेंद्र ने क्या कुछ अपनी पत्नी से या बच्चों से कुछ बातें ऐसी शेयर की थी या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से, रिश्तेदारों से शेयर की थी, क्या बिजनेस के पैसे को लेन देन को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तमाम अलग अलग पहलुओं पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में शाम को 7:30 बजे एक व्यापारी को दिन दहाड़े उस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और आरोपी यहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस की टीम अलग अलग बनाई गई है जिससे कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।